गुड इवनिंग ऑल, स्टार्ट करें भाई। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट आ गए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डेटा कम्युनिकेशन के अंदर कल हम पढ़ रहे थे सिंपल डेफिनेशंस, आपको पता लग गई। लास्ट पॉइंट क्या लिखवाया था, नेटवर्क मॉडल। तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि जब भी हम डेटा कम्युनिकेशन करते हैं तो इफेक्टिवनेस करने के लिए आपको कुछ मॉडल्स को यूज करना पड़ेगा। तो बेसिकली दो टाइप के नेटवर्क मॉडल यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो आज का मेरा टॉपिक यही है, नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल में दो टाइप के मॉडल यूज करते हैं। एक सबसे पहले जो मॉडल आया था वो है TCP/IP और सेकंड जो मॉडल है वो है OSI, ठीक है। तो इन दो मॉडल की स्टडी ही हमें पूरी की पूरी नेटवर्किंग बताती है। इज दैट क्लियर? तो ये आपने लिख लिया, तो चलिए इन मॉडल के बारे में जानते हैं। तो आप हेडिंग डालिए सबसे पहले TCP/IP। पहला मॉडल है TCP/IP। TCP/IP जो है, TCP/IP का पूरा नाम जो है, TCP stands for Transmission Control Protocol, और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये तो इसका पूरा नाम है, ठीक है। ये जो मॉडल है TCP/IP, ये 1983 में आया था, 1983 में ये मॉडल आया था, 1983 में पब्लिश्ड हुआ। 1983, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, पब्लिश्ड इन 1983। 1983 के अंदर ये पब्लिश हुआ, और इसको जिस संस्था ने पब्लिश किया या इंप्लीमेंट किया उसको अर्पा कहा जाता है, ठीक है। पहले डरपा नाम था, उसको अर्पा ने बनाया। अर्पा का जो पूरा नाम है वो है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, तो इस मॉडल को जो है वो अर्पा ने बनाया था, जो एक एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है, इसने पब्लिश किया 1983 में। इज दैट क्लियर? जब इस मॉडल को पब्लिश किया गया, तो इस जब TCP/IP को पब्लिश किया गया 1983 के अंदर, जो अर्पा ने पब्लिश किया, तो इसके अंदर चार लेयर थी। कितनी लेयर थी? 4 लेयर्स। इस मॉडल के अंदर 4 लेयर्स थी, 4 लेयर्स, 4 लेयर्स रखी गई, 4 लेयर्स। और आगे चल के इसको अपडेट किया गया 5 लेयर्स में। जो इनिशियल TCP/IP मॉडल है उसके अंदर 4 लेयर थी, फिर आगे चल के इसको अपडेट किया गया कितने लेयर्स में? 5 में। तो अपडेटेड, नेक्स्ट ये क्या है, अपडेटेड विथ 5 लेयर्स। तो जो मॉडिफाइड TCP/IP जिसको कहा जाता है उसके अंदर 5 लेयर है, और इनिशियल जो बेसिक TCP/IP है उसके अंदर कितनी लेयर है? 4 लेयर, 4 लेयर्स है। कौन कौन से लेयर्स हैं उसके बारे में अभी अपन बात करते हैं। तो ये 4 लेयर्स है। ये जो मॉडल है TCP/IP, ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच वाला मॉडल है। मतलब जब भी कोई डेटा कम्युनिकेशन करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो हम TCP/IP के थ्रू ही करते हैं। तो यह एक प्रैक्टिकल मॉडल है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल मॉडल है, प्रैक्टिकल मॉडल, इसको प्रैक्टिकल मॉडल कहा जाता है। मतलब अगर हमें वास्तव में कम्युनिकेशन करना है तो हम इसी मॉडल को यूज करते हैं। दूसरा, इस मॉडल को हॉरिजॉन्टिकल अप्रोच वाला मॉडल भी कहते हैं। कई बार पूछ लेते हैं कि TCP/IP हॉरिजॉन्टल अप्रोच यूज करता है या वर्टिकल। तो TCP/IP तो हॉरिजॉन्टल यूज करता है और OSI वर्टिकल यूज करता है, तो इसको हम हॉरिजॉन्टिकल अप्रोच मॉडल भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल अप्रोच मॉडल। अब बात यह आती है कि यार ये हॉरिजॉन्टल अप्रोच होती क्या है, क्या मतलब हुआ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। देखिए, जब भी कोई डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जैसे मान लीजिए आपको जयपुर से मुंबई जाना है,
तो आप जो कनेक्टिविटी करेंगे तो वन बाई वन से होते हुए जाएंगे, राइट। वो थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट है, और जब थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट होता है वो लेड आर्किटेक्चर पे डिपेंड होता है। दोनों होते हैं लेड आर्किटेक्चर ही है, किसी में लेड ज्यादा है किसी में कम है, लेकिन जब प्रैक्टिकल अप्रोच हमें करना होगा तो डेटा तो वन बाई वन ही गुजरना पड़ेगा, राइट। ऐसा तो नहीं है कि हम कोई वर्टिकल पाथ बनाएंगे, पाथ तो हमेशा कैसा बनता है, एक्चुअल पाथ कैसा बनता है, हॉरिजॉन्टिकल मैनर। इज दैट क्लियर, मेरी बात समझे। अगर हमें जयपुर से मुंबई जाना है तो हो सकता है राजस्थान से पहले एमपी जाओ, एमपी से गुजरात, गुजरात से ये, मतलब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के थ्रू ही हमें जाना पड़ता है, प्रैक्टिकल अप्रोच देखा जाए। और वैसे देखा जाए तो दोनों ही मॉडल लेयर आर्किटेक्चर पे डिपेंड करते हैं, लेयर के थ्रू डेटा गुजरता है। तो जो थ्योरिटिकल मॉडल है उसमें तो हमें डेटा पहुंचाना तो है नहीं, टॉप टू बॉटम जाना है, इसलिए ओएसआई को वर्टिकल कहा जाता है। और क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल मॉडल है टीसीपी आईपी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, हॉरिजॉन्टिकल, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होते हुए डेटा आपका पहुंचता है। और दोनों ही मॉडल एक कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, वो कौन सी होता है, लेड कॉन्सेप्ट होता है, मतलब लेयर के थ्रू बने होते हैं। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसके अंदर चार लेयर होती है टीसीपी आईपी में, और इसमें क्या होती है, पांच लेयर। अगर दोनों की बात की जाए टीसीपी और ओएसआई की, कि दोनों में से आपसे पूछते दोनों में से ज्यादा रिलायबल कौन सा है, ज्यादा रिलायबल कौन सा है, तो ऑब्वियसली टीसीपी आईपी जिसके थ्रू इंप्लीमेंट किया जा रहा है। भी ओएसआई रिलायबल होता तो उसी पे करते ना। एक 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 चीज सोचिए, एक काम करना है वो सात बंदों से गुजरेगा, और एक काम करना है वो पांच ही बंदों से गुजरेगा, तो फास्ट होगा, नहीं समझे। मीडिएटर सात होंगे तो एक एक के पास जाएगा डेटा, और पांच ही होंगे तो वो फास्ट होगा, और रिलायबिलिटी है, तभी तो आज हम इतना सब कुछ कर पा रहे हैं। आज इंटरनेट की दुनिया में इतने इतने चीजें हो रही हैं, तभी तो हो पा रही है, क्योंकि ये सब कुछ संभव हो पा रहा है। कई इतने इतने अच्छे अच्छे इन्वेंशन है, इतने इतनी अच्छी चीजें आ रही हैं, जबकि दुनिया का कुछ नहीं और वो सब कुछ कर रहे हैं। इतनी आपको पता है टॉप मोस्ट कंपनीज हैं, मैंने पहले भी बताया था कि सबसे ज्यादा सर्च करने वाली सबसे बड़ी कंपनी गूगल। आपको पता है गूगल का खुद का कोई एक नोट नहीं है, गूगल कंपनी है, मानते हो, बहुत बड़ी कंपनी है, नॉट इन इंडिया, ओवरऑल देखें पूरे पूरे वर्ल्ड में। आप जब गूगल, क्या एक सर्च इंजन है, खुद का कोई टॉपिक लिखा हुआ नहीं है गूगल ने, वो दूसरे का टॉपिक आपको दिखाता है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज बाय इंटरनेट टेक्नोलॉजी, राइट। यूट्यूब, यूट्यूब जो कंपनी है वो खुद कोई वीडियो नहीं बनाता, दूसरों की वीडियो है सारी, वो कंटेंट मैनेजमेंट का काम करता है। व्हाई, बिकॉज जो मॉडल है टीसीपी आईपी वो इतना फास्टफूड है कि इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, समझ लो। यूट्यूब कोई कंटेंट नहीं बनाता, वो दूसरों के कंटेंट को पब्लिश करता है, फिर भी इतना इतना ज्यादा रेवेन्यू है उनके पास में। आपने ओयो रूम सुना होगा, इंडिया के अंदर बहुत फेमस है, राइट। उसका एक होटल खुद का नहीं है। जोमेटो सुना होगा, जोमेटो जो फूड मंगाते हैं हम, खुद की एक एक रेस्टोरेंट नहीं है उसका। व्हाट माय पॉइंट, अमेजन खुद का कोई, खुद की कोई शॉप नहीं है उसकी। तो कहने का मतलब कैसे हो पा रहा है, क्योंकि इंटरनेट टेक्नोलॉजी इतना अच्छा आपको उस चीज का यूटिलाइजेशन प्रोवाइड कर रही है कस्टमर को, तो वो किसके कारण हो रहा है, वो सेट ऑफ रूल्स जो है, वो मॉडल आपको ऐसा दिया गया है टीसीपी आईपी, उसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। इज दैट क्लियर। तो दोनों को कंपेरिजन में जब भी कहा जाए तो ऑब्वियसली टीसीपी आईपी इज मोर बेटर, मोर रिलायबल टू ओएसआई। मैं लिखवाऊंगा आपको, पर आप समझ गए ना मेरी बात को, समझ गए। हालांकि कुछ कुछ है नहीं, लेकिन ये सब क्योंकि हम ये सब कुछ ही पढ़ने वाले हैं, तो ये सब चीजें आप एक बार नोट कर लीजिए, किसने बनाया, क्या बनाया, फिर इसकी लेयर्स के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, तो आप एक बार ये पॉइंट्स के रूप में लिख लीजिए। लिखिए, ठीक है। इसमें से ध्यान रखने वाली बात क्या है, थोड़ा सा ये ध्यान रखने वाली बात है कि बेसिक जो आपके पास मॉडल था उसमें चार लेयर थी, फिर इसको आगे मॉडिफाई करके कितनी लेयर बना दी गई, पांच।
राइट। दूसरा टीसीपी आईपी जो है वो प्रैक्टिकल मॉडल है। जब भी हम कोई काम करते हैं आज के टाइम में जितना भी काम हो रहा है वो टीसीपी आईपी के थ्रू हो रहा है। तो जब भी कोई डेटा भेजा जाएगा बेसिकली वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के थ्रू भेजा जाता है, इसलिए हम इसको हॉरिजॉन्टिकल अप्रोच मॉडल कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सारी एग्जाम में पूछा हुआ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि भाई चार लेयर थी तो वो चार लेयर है कौन सी, बहुत बार पूछ लेते हैं। बेसिक टीसीपी आईपी मॉडल में कौन कौन सी लेयर थी, तो वो चार नंबर नहीं देगा, चार लेयर लिख के देगा आपको, ठीक है। तो जो बेसिक टीसीपी आईपी है, बेसिक जो टीसीपी आईपी मॉडल है, ये तो हमें पता लग गया कि उसमें चार लेयर थी। तो दोस्तों कौन सी चार लेयर थी वो देखते हैं कि फोर लेयर कौन सी थी। फोर लेयर्स थी, एक लेयर थी जिसको सबसे जो टॉप मोस्ट लेयर थी उसको बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर। फिर थी इसके अंदर जिसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। फिर जो तीसरी लेयर थी इसको बोलते हैं इंटरनेट लेयर, इंटरनेट लेयर। और जो फिफ्थ लेयर थी उसको क्या बोलते हैं, क्या, नेटवर्क, वेरी गुड, नेटवर्क इंटरफेस लेयर, नेटवर्क इंटरफेस लेयर। तो दोस्तों ये चार नाम याद रखने हैं आपको, जो टीसीपी आईपी 1984 के अंदर आया था, राइट। बेसिकली टीसीपी आईपी को बनाने वाले 1970 के अंदर एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं जिनको फादर ऑफ इंटरनेट भी कहा जाता है, नाम बताओ अब आप, फादर ऑफ इंटरनेट, विंडसर्फ और बॉब ओहान, दो साइंटिस्ट थे, राइट। इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था टीसीपी आईपी पे, पहले अर्पानेट था हमारे पास में सबसे बड़ा नेटवर्क, नाम सुना है अर्पानेट, फर्स्ट नेटवर्क होता है था पहले, राइट। तो विंडसर्फ ने ही बेसिकली बनाया था, लेकिन वो अडॉप्ट किया पूरी टेक्नोलॉजी को एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने अर्पानेट, इसने, इसलिए इसका पब्लिकेशन का जो काम था पब्लिश किया, टोटली पब्लिश किया टीसीपी आईपी को, वो अर्पा ने कर दिया था। समझ में आ गया है? हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसमें कितनी लेयर होती है, फोर लेयर। तो फोर लेयर कौन कौन सी होती है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं इनमें से बेसिक टीसीपी आईपी में कौन कौन सी लेयर है, तो लेयर के नाम दे रखे होंगे, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क इंटरफेस लेयर। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। तो ये चार लेयर थी, इसके बाद में इसको अपडेट कर दिया गया, तो उसको हम बोलते हैं अपडेटेड या इसको बोलते हैं रिवाइज्ड, रिवाइज्ड टीसीपी आईपी, रिवाइज्ड टीसीपी आईपी। तो इसमें क्या किया गया, चार की जगह पांच लेयर बना दी गई। पहली लेयर का नाम सेम रखा गया, उसका नाम रखा गया एप्लीकेशन लेयर। पहली लेयर का नाम सेम था एप्लीकेशन लेयर, सेकेंड भी वही लेयर थी जिसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर, सेकेंड भी वही थी जिसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर, और थर्ड जो लेयर थी इंटरनेट लेयर। याद रखिएगा कि जो चार लेयर का जो आर्किटेक्चर है उसमें टीसीपी आईपी की जो लेयर होती है इंटरनेट लेयर ही कहा जाता है, लेकिन जो रिवाइज किया गया उसमें इंटरनेट भी कह सकते हैं और इंटरनेट भी कह सकते हैं और नेटवर्क लेयर भी कह सकते हैं, दोनों नाम है वहां पे। यहां पे नेटवर्क नहीं है, यहां पे कह सकते हैं। तो यहां पे इसको इंटरनेट, यहां पे इंटरनेट या मैं और लगा रहा हूं, इंटरनेट भी कह सकते हैं या फिर इसको नेटवर्क लेयर भी कह सकते हैं, नेटवर्क लेयर भी कह सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास में बेसिक 1984 में जो मॉडल आया था चार वाला, उसमें नेटवर्क लेयर नहीं कहा गया, उसमें इंटरनेट लेयर ही कहा गया, ठीक है। और उसके बाद में जो तीन लेयर के बाद में जो दो लेयर बनी, तो ये जो नेटवर्क इंटरफेस लेयर थी इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया गया, इस लेयर को दो लेयर्स में, ये जो लेयर है हमारी इसको दो लेयर में स्प्लिट कर दिया गया। वन इज नोन एज डेटा लिंक लेयर, एक लेयर क्या बनाएगी, डेटा लिंक लेयर, और एक लेयर बनाएगी फिजिकल लेयर, एक लेयर बनाएगी फिजिकल लेयर। तो दीज आर फाइव लेयर्स, समझ में आया। तो आपके पास ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेटवर्क इंटरफेस लेयर होती है वो कितनी पार्ट्स में डिवाइड हुई, दो में, कितने में, डेटा लिंक लेयर में और दूसरी, समझ में आया, समझ में आया। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, जब भी लेयर की गिनती की जाए, ध्यान रखिएगा, जब भी लेयर की गिनती की जाए, जैसे लेयर टीसीपी आईपी में पांच लेयर होती है, सब सब सबने याद कर लिया, देखो कॉम्पिटिशन में डिफरेंट होने का क्या तरीका
का है, पांच लेयर होती है, वो कहेगा लेयर नंबर टू बताओ कौन सी होती है, लेयर नंबर टू कौन सी होती है। तो देयर इज सम कंफ्यूजन दैट कि लेयर नंबर टू ट्रांसपोर्ट होगी या डेटा लिंक लेयर होगी, राइट। तो हमेशा जब भी हम टीसीपी आईपी या ओएसआई मॉडल में लेयर काउंट करते हैं तो बॉटम से करते हैं, कहां से करते हैं, बॉटम से, कहां से करेंगे, बॉटम से। समझ में आया? तो दोस्तों यहां पे अगर बात की जाए तो ये लेयर कौन सी होगी, वन, इसकी लेयर की बात की जाए, ये लेयर टू, ये लेयर थ्री और ये लेयर फोर, इज दैट क्लियर। इसी टाइप से यहां पे लेयर वन, लेयर टू, लेयर थ्री, लेयर फोर और लेयर फाइव, समझ में आ गया क्या? और ऐसे ही जब ओवरसाई आएगा तो हम उसमें करेंगे काउंट, समझ में आ गया, राइट। तो बॉटम से हम लेयर काउंट करते हैं। अब बात आती है यहां पे कि सर आपने बोल तो दिया बॉटम से करते हैं, बट क्यों भाई, ये भी तो दिमाग में आना चाहिए ना कि क्यों भाई सर बॉटम से क्यों करें, टॉप से क्यों नहीं करी आपने। ये क्वेश्चंस आपके अराइज होने चाहिए एक कंपटीशन में जाने से पहले, जब तक आपके डाउट्स नहीं आएंगे ना इसका मतलब आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, या तो बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है तो डाउट्स आने चाहिए। तो बॉटम से क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी हम सिग्नल भेजते हैं ना, जब भी सिग्नल भेजते हैं तो लास्ट एक्टिवेट जो लेयर होती है वो कौन सी होती है, फिजिकल लेयर होती है। बिट्स में जो डिलीवरी करती है वो कौन सी होती है, फिजिकल लेयर, इज दैट क्लियर। और वो फिजिकल लेयर डायरेक्ट कनेक्ट करती है रिसीवर एंड पे फिजिकल से, इसलिए उसको पहली लेयर माना जाता है। समझ में आ गया? मतलब डेटा निकला किससे, फिजिकल से, रिसीवर पे कनेक्ट किससे हुआ, फिजिकल से। सो दैट्स व्हाई हम बॉटम लेयर से डेटा को स्टार्ट करते हैं। समझ में आया क्या आपके? समझ में आया? तो अब बेसिक मॉडल में कितनी लेयर थी, चार, एडवांस में कितनी थी, रिवाइज में कितनी थी, पांच। लेयर्स के नाम याद हुए? नेटवर्क इंटरफेस लेयर जो थी उसको कितनी लेयर में डिवाइड किया गया, दो में। कौन कौन सी लेयर में, डेटा लिंक लेयर और, ठीक है, लेयर को कैसे काउंट करोगे, बॉटम से। समझ में आया इतना? ठीक है, चलिए ये नोट कर लीजिए अब एक बार आप। चलिए आगे, इतना समझ में आया? अब देखिए, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई एक डेटा कम्युनिकेशन करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो आपके पास में लेयर है पांच, राइट। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जब आप नेटवर्किंग में क्वेश्चन पढ़े ना, एक बार चीज ध्यान रखना कि वो, क्योंकि हम, हमारी प्रैक्टिस ऐसी हो जाती है कि हम ओवरसाई के पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि हम थ्योरिटिकल मॉडल है, हम पढ़ेंगे भी पूरा ओवरसाई, लेकिन वो क्वेश्चन को घुमाने के लिए ऊपर सबसे पहले दे देता है इफ आई हैव टीसीपी आईपी मॉडल। तो ये ध्यान रख लेना कि ये ओवरसाइट बोल रहा है या टीसीपी आईपी बोल रहा है। समझ में आया? तो एक क्वेश्चन है बहुत ही फेमस है जो गेट में, नेट में पूछा जाता है कि भी आपके पास में कितनी लेयर एसेंशियल है, कौन कौन सी लेयर होती है जो डेटा कम्युनिकेशन के लिए एसेंशियल होती है, राइट। क्योंकि ओवरसाइट में सात होती है, बोलो, बेसिक में चार होती हैं और इसको अपडेट करके कितना बना दिया है, पांच। तो ध्यान रखना, अगर एक जगह से दूसरी जगह पे कोई डेटा डिलीवर होगा तो ये पांचों लेयर कंपलसरी हैं। ये फाइव लेयर्स में से एक भी अगर लेयर नहीं है तो आपका डेटा डिलीवर नहीं हो सकता, क्योंकि डिलीवर कौन करेगा, टीसीपी आईपी। तो टीसीपी आईपी की पांचों लेयर कंपलसरी होती है, और इन पांचों लेयर की कोडिंग कौन करेगा भाई। भाई आपने एक बात बताइए, आपने लैपटॉप लिया, ध्यान दीजिएगा, आपने लैपटॉप लिया, आपने अपने मोबाइल से या डॉगल से इंटरनेट स्टार्ट किया, बोलो, ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है विंडोज पे, आपने नेट स्टार्ट हो गया, इसका मतलब कम्युनिकेशन हो रहा है, आप एक जगह से दूसरी जगह डेटा भेज पा रहे हैं, इसका मतलब टीसीपी आईपी वर्क कर रहा है। तो आपने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं क्या उसके बारे में, कोई आपने ड्राइवर डाला हो, कुछ और डाला हो, नथिंग डालते हैं क्या, बताओ भाई, नहीं डालते ना। जैसे अगर आपको कोई प्रिंटर निकालना है, समझिएगा बातों को, अगर आप अपने लैपटॉप से एक वर्ड डॉक्यूमेंट है उसका प्रिंट निकालना चाहते हैं, आपने हार्डवेयर डिवाइस प्रिंटर कनेक्ट कर दिया, क्या निकल जाएगा,
ड्राइवर डालना पड़ेगा ना, बोलो ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा ना उस प्रिंटर का, तभी तो प्रिंट निकलेगा। फिजिकल कनेक्शन करने से प्रिंट नहीं निकलेगा, ड्राइवर इंस्टॉल करेगा, ड्राइवर कर्नल को बोलेगा तो प्रिंट निकालेगा। इसी टाइप से अगर आपके पास में ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपने डोंगल लगाया, आपने इंटरनेट स्टार्ट किया और नेट स्टार्ट हो गया, ब्राउजर ओपन किया, नेट स्टार्ट हो गया, तो फिर आपने तो कुछ किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि TCP/IP करने के लिए 5 लेयर जरूरी होती है और इनकी कोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम खुद करता है। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, यूनिक्स है, मैकेंटोस है, उबंटू है, जितने भी है, विंडोज है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप करते हैं इनकी कोडिंग। आपको करने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा डाउनलोड करने की, एक्स्ट्रा ड्राइवर डालने की जरूरत नहीं है। तो जो 5 लेयर है, ध्यान रखना 5 लेयर्स, ओनली 5 लेयर्स, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, ये 5 लेयर कंपलसरी है और इन्हीं 5 लेयर की कोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम खुद करता है, बाकी की नहीं करेगा। बाकी की ऑपरेटिंग सिस्टम कोड नहीं करता, केवल इन्हीं 5 की करता है। बाकी अगर हम OSI से कंपेयर करें तो प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर रह जाएगी, तो उनकी कोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता है। अगर किसी टेक्स्ट को एनक्रिप्ट करना है तो आपको करनी पड़ेगी कोडिंग। अगर आपको सेशन बनाना है तो आप कोडिंग करो आप खुद उसकी। समझ में आई मेरी बात? तो अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चाहता है कि भाई कोई ब्राउजर पे कुछ वेबसाइट मैंने ओपन कराई SBI की और 10 मिनट तक अगर वो आइडियल रहा तो सेशन अपने आप लॉग आउट हो जाए, तो SBI वालों से कहा जाएगा सर OS नहीं करके देगा, आप अपनी कोडिंग करो। ये समझ में आया? आपने गूगल खोल रखा वो तो नहीं लॉग आउट होता, क्योंकि उन्होंने सेशन लेयर को यूज नहीं ले रखा, सेशन बना ही नहीं रखा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम तो करेगा नहीं। सो इसीलिए दोस्तों याद रखना कि ऑपरेटिंग सिस्टम 5 ही लेयर की कोडिंग करता है और वो लेयर होती है TCP/IP, नॉट OSI। समझ में आया क्या? समझ में आया? तो इसके नीचे लिखो नोट लगा के जो डायग्राम बनाया है। TCP/IP की नोट लगा के पहला पॉइंट लिखिए बेटा, TCP/IP की सभी 5 लेयर डेटा कम्युनिकेशन के लिए आवश्यक होती है। इट इज नेसेसरी फॉर ऑल लेयर्स ऑफ TCP/IP फॉर डेटा कम्युनिकेशन। TCP/IP की सभी 5 लेयर डेटा कम्युनिकेशन के लिए आवश्यक होती हैं। ठीक है, सभी पांच लेयर का मतलब मेरा इनसे है, मैं नाम नहीं बोल रहा, बाय डिफॉल्ट आप समझ गए होंगे मैं किन 5 लेयर की बात करता हूं। तो TCP/IP की आपसे पूछा जाए कितनी लेयर जरूरत है, 5। प्रेजेंटेशन सेशन नहीं होगी तो भी हम काम करेंगे, समझ गए भाई? तो TCP/IP की सभी 5 लेयर डेटा कम्युनिकेशन की जरूरत है। आपने कहा कि साहब फिजिकल लेयर नहीं है, नहीं हो सकता, नेटवर्क लेयर नहीं है, नहीं हो सकता, एप्लीकेशन लेयर है, नहीं हो सकता, 500 लेयर चाहिए मुझे। तो अगर एक जगह से दूसरी जगह डेटा पहुंचाना है तो 500 लेयर होनी चाहिए भाई साहब, तभी डेटा डिलीवर होगा। ठीक है, सेकेंड लिखिए, TCP/IP की सभी 5 लेयर की कोडिंग, TCP/IP की सभी 5 लेयर्स की कोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा की जाती है। TCP/IP की सभी 5 लेयर्स की कोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा की जाती है, उनके लिए अलग से कोई कोड करने की जरूरत नहीं होती। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा की जाती है, उनके लिए अलग से कोई कोड करने की जरूरत नहीं होती। समझ में आ गया? तो आपसे भी पूछे ट्रांसपोर्ट लेयर की कोडिंग कौन करेगा भाई? ऑब्वियस सी बात है, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक और फिजिकल, 500 की कोडिंग आपको नहीं करनी, ना कोई ड्राइवर इंस्टॉल करना, ऑपरेटिंग सिस्टम खुद देखता है, राइट? इसीलिए जो आपके पास जो डेस्कटॉप, आपके लैपटॉप में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो नेटवर्क OS का भी काम करता है। नेटवर्क बना रहा है तो वो एक पर्सनल कंप्यूटर का जो डेस्कटॉप सिस्टम है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज का, उसमें फैसिलिटी है। जब आप सेटअप डालते हैं 30-40 मिनट लगते हैं, सेटअप डाला कभी किसी ने? तो 30-40 मिनट लगते हैं, तो आपने कभी ध्यान दिया हो तो 30-40 मिनट्स के अंदर वो कुछ आपके पास में टेक्स्ट फ्लैश करता रहता है, राइट? तो उसमें आता है कि हम सारी 500 लेयर की कोडिंग भी सर डाल रहे हैं, सब कुछ लिखा आता है, अनडिफाइंड बग्स भी आता है। आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे आप,
अनडिफाइंड बग्स पता क्या होती है? एक टॉपिक याद आ गया मुझे, अनडिफाइंड बग्स। बग्स का मतलब प्रॉब्लम, अनडिफाइंड बग्स। आपने देखा हो विंडोज के अंदर तो उसमें करीब 25 से 30 मिनट जब चल जाता है तो लिखा आता है अनडिफाइंड बग्स। मतलब अनडिफाइंड बग्स वो होती है कि मुझे पता है कि मेरे सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है लेकिन मैं दूर नहीं कर पा रहा। आप समझे क्या? अनडिफाइंड बग्स किसको कहते हैं कि मुझे पता है कि मेरे सिस्टम में ये बग है लेकिन अभी मैं इसको दूर नहीं कर पा रहा, इसको क्या कहते हैं? अनडिफाइंड बग्स। तो लिख देते हैं कि ये अनडिफाइंड बग्स चल रही है। समझे क्या मेरी बात? दिस इज द पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कि अनडिफाइंड बग्स होता है कि सिस्टम में जो प्रॉब्लम होती है, सिस्टम में जो प्रॉब्लम होती है वो पहले से मुझे पता है लेकिन मैं उनको दूर नहीं कर पा रहा, उसको हम कहते हैं अनडिफाइंड बग्स। ठीक है, तो ये सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम लिखता है। 30-40 मिनट्स का जो सेटअप है, मेरे ख्याल से एक बीटेक या एमसीए पर्सन को जरूर देखना चाहिए वो 40 मिनट की क्या क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो वो एक बार ये भी रिफ्लेक्ट करके बताता है कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की जितनी भी 5 लेयर्स हैं इनकी सबकी कोडिंग हम डाल रहे हैं, तो वो फ्लेश करता रहता है उसमें यही बताता है। ठीक है, तो मेरा मकसद यही था यहां बताने का कि TCP/IP की जो 5 लेयर होती है इन सबकी कोडिंग कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आया क्या आपके? समझ में आया? बस इससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं TCP/IP के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारा नेटवर्क मॉडल जो सेकंड है, OSI। OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अब देखिए यहां पे सबसे एक वर्ड आ रहा है ओपन सिस्टम। तो सबसे पहली बात है कि ओपन सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम का मतलब होता है दोस्तों जो सबके लिए हो, उसके लिए कोई VIP नहीं है, कोई VVIP नहीं है। इंटरनेट, ये जरूरी नहीं है कि इंटरनेट, अगर इंटरनेट की फैसिलिटी ओप्पो में भी है, सैमसंग में भी है, आईफोन में भी है तो सब में चलेगा, राइट। जीमेल वाला कभी ये नहीं कहता कि आप VIP हैं तो मैं अलग से कोई ट्रीटमेंट दूंगा, VVIP तो अलग से ट्रीटमेंट मिलेगा। ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम है, राइट। सभी के लिए कोई भेदभाव नहीं है, सभी के लिए सेम है। ऐसा सिस्टम जो सबके लिए सेम होता है वो क्या कहलाता है? ओपन सिस्टम। उसमें कोई VIP नहीं होता, कोई VVIP नहीं होता, कोई नॉर्मल पर्सन नहीं होता। तो ऐसा सिस्टम जो सबके लिए सेम होता है उसको हम ओपन सिस्टम कहते हैं, राइट। तो जो ही TCP/IP आया 1980, कब आया TCP/IP? 3 में या 4 में? 83 में आया। एक साल बाद में क्या आ गया 1984 में? OSI। तो ये ध्यान रखना, कई होंगे ये रहता है कि यार OSI पहले आया TCP/IP बाद में आया, नहीं, सबसे पहले TCP/IP आया था और बाद में OSI। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि पहले कौन सा आया था, तो TCP/IP पहले आया। तो दोस्तों 1984 के अंदर, 1984 में ये पब्लिश हुआ 1984 में पब्लिश किया गया, पब्लिश्ड। और इसको जो पब्लिश किया गया वो एक बहुत बड़ी संस्था है ISO। इसको क्या बोलते हैं? ISO, पब्लिश्ड बाय ISO, राइट, पब्लिश्ड बाय ISO। अब ISO की फुल फॉर्म तो पता होगी मेरे ख्याल से, पता है किसी को? I stands for international standard organization, international standard organization, sometimes we also called international organization for standards। एक ही बात है, चाहे आप international standard organization लिखो या international organization for standard लिखो, एक ही बात है, दोनों का abbreviation ISO ही है। समझ में आ गया? तो ये ISO ने बनाया 1984 में। ऑब्वियसली 1983 में TCP/IP आ गया, तो TCP/IP के बाद में ये मॉडल आया। और ये मॉडल केवल और केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है, मतलब ये थ्योरिटिकली कॉन्सेप्ट के लिए है। प्रैक्टिकल आज भी हम कोई इंटरनेट के थ्रू कुछ भी वेब पे सर्फ करते हैं, व्हाट्सएप भेजते हैं, वो सब TCP/IP करता है। थ्योरिटिकल मॉडल, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कॉन्सेप्चुअल या थ्योरिटिकल मॉडल, राइट। तो ये कैसा मॉडल है? केवल केवल थ्योरिटिकल। तो ये मॉडल जो है वो है थ्योरिटिकल मॉडल है, थ्योरिटिकल मॉडल, या वी कैन से ऑल्सो कॉल्ड कॉन्सेप्चुअल मॉडल, कॉन्सेप्चुअल मॉडल, ये कॉन्सेप्चुअल मॉडल है, ठीक है।
concept also called conceptual model jo ki which is used for learning जो कि लर्निंग के लिए यूज किया है। लर्न क्या करना है? डेटा कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग समझनी है हमें, तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है। और जो ओएसआई मॉडल होता है उसके अंदर 7 लेयर्स होती हैं, राइट? इस कितनी लेयर होती है? 7। तो कितनी लेयर काम में आती है? 7 लेयर्स। तो इसके अंदर 7 लेयर्स होती हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि TCP/IP तो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कर रहा है, लेकिन ये तो लेड आर्किटेक्चर में बना हुआ है, एक प्रोटोकॉल सूट में बना हुआ है, स्टैक पे बना हुआ है। तो कॉन्सेप्ट पढ़ना है हमें, तो 1x1 लेयर्स को पढ़ते हैं, इसलिए इसको वर्टिकल मॉडल भी कहा जाता है। कैसा मॉडल कहा जाता है? वर्टिकल। ये ध्यान रखना, वर्टिकल कौन सा और हॉरिजॉन्टल कौन सा है, तो इसलिए इसको वर्टिकल अप्रोच मॉडल कहा जाता है। वर्टिकल अप्रोच मॉडल। तो ये एक वर्टिकल अप्रोच वाला मॉडल है कि हम 1x1 इनको पढ़ेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। इनमें से दोस्तों जो पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है वो यही है, एग्जाम में जो अच्छे लेवल के एग्जाम है उसमें ये वर्टिकल वाला पूछा हुआ है। एक ये पहले कौन सा आया, बाद में कौन सा आया, ठीक है? और ये थ्योरिटिकल वाला, ये तो समझने की चीजें हैं सारी। समझ में आया क्या? इतनी हिस्ट्री आपके लिए काफी है। किसने बनाया? ISO ने, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। 1984 में आया, वो 1983 में आ गया था, याद रहेगा। चलिए अब बात करते हैं कि भी 7 लेयर्स कौन सी थी, राइट? तो 7 लेयर्स देखिए कौन सी थी इसकी। पहले एक लेयर थी एप्लीकेशन, सेम। फिर इसके बाद में इन्होंने जो लेयर्स बनाई, फिर आती है हमारे पास में प्रेजेंटेशन, फिर है हमारे पास में सेशन, फिर है हमारे पास में ट्रांसपोर्ट, और फिर है हमारे पास में नेटवर्क, फिर है डेटा लिंक, और फिर है हमारे पास में फिजिकल। दीज आर 7 लेयर्स, ठीक है? अब एक चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि भी लेयर 1 कौन सी होगी। नीचे से लेयर काउंट करना है हमेशा, हमने पहले ही सीख लिया। तो दोस्तों ओएसआई मॉडल में फर्स्ट लेयर कौन सी होती है हमें पता है, बॉटम से काउंट कर लो सब जगह। तो लेयर 1 किसको कहा जाता है? फिजिकल लेयर। लेयर 2 ऑब्वियसली किसको कहा जाएगा? इसको। लेयर 3 इसको, लेयर 4 ये, लेयर 5 ये, लेयर 6 ये, और लेयर 7 ये, ठीक है? तो जब भी ओएसआई मॉडल में आपसे पूछे लेयर, ये ध्यान रखना कि लेयर 5 पूछे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, वो कहेगा TCP/IP में लेयर 5 कौन सी है, तो हमारे माइंड में चलता रहता है ओएसआई, तो हम लेयर 5 बोल देते हैं कौन सी, सेशन, राइट? जबकि TCP/IP में लेयर 5 एप्लीकेशन लेयर होती है। समझ में आया क्या मेरी बात? तो आप जरूर देख लेना, जब लेयर पूछ रहा होता है तो एप्लीकेशन टीसीपी की पूछ रहा है, TCP/IP की पूछ रहा है, या ओएसआई की पूछ रहा है। तो दोस्तों लेयर हमेशा काउंट कहां से करनी है? नीचे से ऊपर। समझ में आ गया। और जितनी भी लेयर्स होती हैं उनमें सबसे हाई ऑर्डर लेयर वो होती है जो यूजर के नजदीक है। और यूजर के नजदीक कौन सी लेयर होगी? एप्लीकेशन। आप ही तो लिखोगे ना ब्राउजर पे, मैं ही तो लिखूंगा gmail.com। तो यूजर क्या लिख रहा है? HTTP प्रोटोकॉल दे रहा है, और HTTP सर्विस कौन मांग रहा है? यूजर ही तो मांगेगा ना कि मुझे मेल चाहिए, मुझे FTP करना है, मुझे SMTP करना है, मुझे POP3 करना है, क्या करना है? तो जो सर्विस मांग रहा है वो तो कौन मांगेगा? यूजर। तो यूजर के सबसे नजदीक लेयर होती है, चाहे वो OSI हो, चाहे वो TCP/IP हो, कौन सी लेयर होती है? एप्लीकेशन। समझ में आया? तो ये लिखिए, फिर 2-3 नोट लिखते, लिख लिया ये सबने? तो चलिए नोट लिखिए, पहला नोट लिखिए, फर्स्ट नोट लिखिए, ओएसआई मॉडल TCP/IP मॉडल के बाद में आया। ओएसआई मॉडल TCP/IP मॉडल के बाद में आया था। ओएसआई मॉडल TCP/IP मॉडल के बाद में आया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए, ओएसआई मॉडल में
ओएसआई मॉडल में या टीसीपीआईपी मॉडल में, टीसीपीआईपी मॉडल में एप्लीकेशन लेयर, ओएसआई मॉडल में या फिर टीसीपीआईपी मॉडल में एप्लीकेशन लेयर यूजर के सबसे नजदीक होती है, यूजर के सबसे नजदीक होती है, सबसे नजदीक होती है, यूजर के सबसे नजदीक होती है। इसी कारण दोनों ही मॉडल में, इसी कारण दोनों ही मॉडल में इसे दोनों ही मॉडल में हाई ऑर्डर लेयर कहा जाता है। हाई ऑर्डर लेयर कहा जाता है। जो यूजर के सबसे नजदीक होता है उसको हमेशा हाई कहा जाता है। तो एप्लीकेशन लेयर दोनों में ही नजदीक है तो हाई ऑर्डर लेयर कहा जाता है। समझ में आ गया, राइट? अब आपसे पूछे, अब एक चीज में आपसे पूछूंगा क्योंकि मैं बता चुका हूं वो कॉन्सेप्ट, केवल रिवाइज कराना है मुझे। ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर है भाई? 7, राइट? अब आपको ये पता है कि डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए कितनी लेयर की जरूरत होती है? 5। तो ऑब्वियसली यहां भी हमें दिया हुआ 7 है, लेकिन जरूरत कितनी होगी? 5। अगर आपसे कोई कहे अगर मैं ओएसआई मॉडल लेता हूं इंस्टेड ऑफ टीसीपीआईपी, टीसीपीआईपी की जगह, तो कितनी लेयर आवश्यक लेयर होंगी? ओनली 5, राइट? प्रेजेंटेशन और सेशन को हटा देंगे हम, राइट? और वही बात इसमें हुई कि ओएसआई मॉडल की जो 7 लेयर होती है उनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम 5 ही लेयर की कोडिंग करता है। किसकी कोडिंग नहीं करता? प्रेजेंटेशन और सेशन, राइट? ये लिखिए, ओएसआई मॉडल की प्रेजेंटेशन एवं सेशन लेयर की कोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता है। ओएसआई मॉडल की प्रेजेंटेशन एवं सेशन लेयर की कोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता है। ठीक है ना भाई? क्या टीसीपीआईपी वाली प्रेजेंटेशन सेशन की कर देगा? उसकी करेगा या नहीं करेगा? उसमें तो है ही नहीं, ऐसे नहीं बोलना नहीं करेगा, उसमें तो है ही नहीं भाई, लेयर ही नहीं है। प्रेजेंटेशन और सेशन तो किस में है? ओएसआई में है। तो अपन कहेंगे नहीं उसमें नहीं करेगा, उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती है लेयर। समझ में आ गया? तो भाई इनकी कोडिंग करवानी हो, इनकी फैसिलिटी, इनका फंक्शन यूज करना हो, तो जो सॉफ्टवेयर है उसको खुद को करनी पड़ेगी। समझ में आया? ऑपरेटिंग सिस्टम इनकी कोडिंग नहीं करता है। इसके आगे लिखिए, इसलिए जो एप्लीकेशन इनके फंक्शन को यूज करना चाहता है, किनके फंक्शन को? प्रेजेंटेशन और सेशन, समझ रहे हो ना आप? इनके फंक्शन को यूज करना चाहता है, उसको स्वयं कोड लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया, राइट? जैसे आप कोई भी बैंक की वेबसाइट खोलो, ठीक है, उसमें लिखा आता है भाई बैक बटन मत दबा देना, रिफ्रेश मत करना, ऐसे लिखा आता है ना, क्योंकि उन्होंने सेशन बना रखे हैं, सेशन लेट कोडिंग कर रखी है। 5 मिनट तक आप अपने लैपटॉप पे वेबसाइट ओपन करो और आइडियल छोड़ दो, फिर कुछ काम करो, अपने आप लॉग आउट हो जाएगा। जबकि जीमेल को सुबह से शाम तक आप ऐसे रहने दो, लॉग आउट नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो ये सब को कोड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कर रहा, क्योंकि अगर ओएस करता तो सबके लिए करता, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए तो सब ओपन है, सबके लिए करता। तो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को अगर वो फंक्शन चाहिए मुझे ऐसा, तो वो करना पड़ता है। जैसे क्लास प्लस में क्या है, अभी हमने क्या कर रखा है कि एक यूजर एक ही टाइम पे देख सकता है, डिफरेंट मैनुअल ओटीपी के थ्रू नहीं देख सकते, तो सेशन बनाया हुआ है, उसमें कोडिंग कर रखी है ये सब चीजें,
तो कहां पे आती है, प्रेजेंटेशन और सेशन में। अगर डेटा एनक्रिप्ट मोड में रखना है तो आपको कोड करना पड़ेगा, नेटवर्क सिक्योरिटी के एल्गोरिथम आपको यूज करने पड़ेंगे। समझ में आया भाई? तो ये था थोड़ा सा नेटवर्क मॉडल। तो अब हम जो भी पढ़ेंगे, जो भी कुछ करेंगे, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जितना भी नेटवर्किंग हमें पढ़नी है वो किस पे बेस होगी, ओएसआई। क्यों? क्योंकि लर्निंग के लिए, मैंने यहाँ पे पहले ही लिखा था कि लर्निंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, थ्योरेटिकल मॉडल, ऑल्सो कॉल्ड कॉन्सेप्चुअल मॉडल विच इज यूज फॉर लर्निंग। तो ओएसआई हमेशा लर्निंग के लिए यूज होता है। तो अब हम जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो क्या पढ़ने वाले हैं, ओएसआई के बेस पे। मतलब हम सारी 7 लेयर्स को हम पढ़ने वाले हैं। नेटवर्किंग कुछ नहीं है, केवल ये 7 लेयर्स है, इन 7 लेयर्स को हमें पढ़ना पड़ेगा। समझ में आया क्या? समझ में आया? तो अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है, एक डेटा दूसरी जगह पे भेजना है, तो इन्होंने कहा साहब मॉडल को यूज करो। और इन्होंने कहा कि मॉडल तो हमारे पास 2 है, एक ओएसआई है, एक TCP/IP है। लेकिन जब एक्चुअल कम्युनिकेशन करना होगा तब तो हम TCP/IP यूज करेंगे। लेकिन लर्निंग अगर आपको करनी है, एजुकेशन लेनी है कंप्लीट, तो आप किससे पढ़ो, ओएसआई से, राइट? और ओएसआई, व्हाट इज ओएसआई, बिकॉज हम पहले लिख चुके हैं, ओएसआई कुछ नहीं है, 7 लेयर का कॉम्बिनेशन है, Layer 1 to Layer 7। इज दैट क्लियर? सो नाउ आई एम स्टार्टिंग द फर्स्ट लेयर, फिजिकल लेयर। इज दैट क्लियर? अब इस लेयर से पहले इन लेयर के ही कुछ फंक्शंस हैं। तो कुछ चीजें जो लेयर्स में भी हैं, आप चाहे फिजिकल लेयर का नाम दे सकते हैं, उनके फंक्शंस का नाम दे सकते हैं, या फिर कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट कह सकते हैं उनको, ठीक है? तो सबसे पहला जो हम पॉइंट पढ़ते हैं जो लेयर्स के अंदर काम में आएगा, वो है लाइन कॉन्फ़िगरेशन। तो डालिए आप, सबसे पहला पॉइंट है हमारा लाइन कॉन्फ़िगरेशन। द फर्स्ट पॉइंट इज लाइन कॉन्फ़िगरेशन। कंपैरिजन तो बता दिया है बेटा मैंने पहले ही, कंपैरिजन तो हो ही गया, या अलग से लिखूं? TCP/IP या ओएसआई में आपसे कोई पूछे कंपैरिजन बताओ, डिफरेंस बताओ, तो बता दोगे ना? एक में 7 ले रहे हैं, एक में 5 ले रहे हैं, राइट? टीसीपीआईपी के अंदर जो इंटरनेट लेयर होती है उसको इधर क्या कहते हैं, तो नेटवर्क लेयर बोलो, राइट? 2 लेयर एक्स्ट्रा होती है, प्रेजेंटेशन और सेशन। एक को हॉरिजॉन्टिकल होता है, एक वर्टिकल होता है, एक थ्योरेटिकल होता है, एक प्रैक्टिकल होता है, ठीक है? तो मैंने वैसे लिखा नहीं है, लेकिन देखा जाए तो आप अगर टॉपिक समझ गए तो डिफरेंस अपने आप निकाल सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब आप खुद ही बता दो। ये तो ये कह रहे हैं सर, ऑप्शनल लेयर किसको कह सकते हैं, आप बताओ। बस कंपल्सरी लेयर कौन सी है, मैंने बताया ना 5 लेयर अति आवश्यक है। तो आप क्वेश्चन आ गया कि मैंडेटरी लेयर कौन सी होती है नेटवर्क में, तो वही तो बात है, आवश्यक लेयर क्या होती है, मैंडेटरी। अब ये कह रहे हैं सर ऑप्शनल लेयर कौन सी होती है, तो ऑब्वियसली प्रेजेंटेशन और सेशन, क्योंकि मैंडेटरी तो 5 ही है। समझ में आया क्या? ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो मैं चाहता हूं कि आप ही आंसर दो इनके। चलिए चलिए आगे, चलिए सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं लाइन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? लाइन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास में कोई फिजिकल डिवाइस कनेक्टेड है तो वो कैसे कनेक्टेड है। भाई आपको 100 कंप्यूटर दे दिए गए और बोला कि भाई इनको कनेक्ट करो, तो हो सकता है कि हम एक एक वायर लगा के कनेक्ट करें, या एक ही वायर पे मल्टीपल कनेक्ट कर दे। तो लाइन आपको पता तो होना चाहिए ना कि यार मैं कनेक्ट कैसे करूं, 100 कंप्यूटर आपको दे दिए कि इनको यार जोड़ूं कैसे आपस में, नेटवर्क में तो जोड़ना पड़ेगा ना। भाई मैंने क्या कहा था आपको, नेटवर्क की डेफिनेशन बताई थी कि मीडियम के माध्यम से ट्रांसफर होगा डेटा, चाहे वो मीडियम गाइडेड हो चाहे क्या हो अनगाइडेड, चाहे वायर के थ्रू कनेक्ट करो चाहे वायरलेस के थ्रू, कनेक्ट तो करना पड़ेगा, राइट? समझ लो, अब भाई जयपुर से अगर आपको अमेरिका जाना है तो रोड से आप जा रहे हो, रोड है ही नहीं वहां पे, तो कैसे पहुंचोगे भाई, नहीं पहुंच सकते ना। तो मीडियम तो होना चाहिए ना पहुंचना, ट्रांसमिशन लिंक तो होना चाहिए आपका, ठीक है? तो लाइन कॉन्फ़िगरेशन वो चीज देता है, राइट? या लाइन कॉन्फ़िगरेशन को हम टाइप ऑफ कनेक्शन भी कह सकते हैं। कैसे, क्या कह सकते हैं? टाइप ऑफ कनेक्शन भी कहा जा सकता है, टाइप ऑफ कनेक्शन ऑल्सो कॉल्ड।
लाइन कॉन्फ़िगरेशन जो है, लिख लीजिए, लाइन कॉन्फ़िगरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड टाइप ऑफ कनेक्शन, ठीक है। या फिर इसको हम एग्जाम में कई बार अलग अलग नाम से पूछ लेते हैं, या फिर हम इसको लाइन कोडिंग कहते हैं, लाइन कोडिंग, लाइन कोडिंग, लाइन कोडिंग भी कह सकते हैं। तो लाइन टाइप ऑफ, जो लाइन कॉन्फ़िगरेशन है उसको टाइप ऑफ कनेक्शन या लाइन कोडिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिखिएगा, क्या होता है, लिख लिया आपने। लाइन कॉन्फ़िगरेशन के दो नाम और हैं, वन इज द लाइन कोडिंग एंड अनदर वन इज द टाइप ऑफ कनेक्शन, ठीक है। तो लिखिए, कंप्यूटर्स को या डिजिटल डिवाइस, कंप्यूटर्स को या डिजिटल डिवाइस को आपस में कंप्यूटर्स को या डिजिटल डिवाइस, देखिए मैंने डिजिटल डिवाइस को लिखवाया है। आजकल मोबाइल भी तो कनेक्ट हो जाता है, आजकल मोबाइल से आप एसी को भी तो कनेक्ट कर सकते हो, माइक्रोवेव को भी कनेक्ट कर सकते हो। आपने यहां सीसीटीवी कैमरा लगाया, क्लोज सर्किट टीवी जो है वो लगाया, आप अपने मोबाइल आईपी एड्रेस से देख सकते हो अपने मोबाइल पे, तो कनेक्शन बन गया है ना। डेटा डिलीवरी जहां पे भी हो रही है तो वो तो क्या हो गया, कोई डिजिटल डिवाइस। जरूरी नहीं है कि डेटा डिलीवरी कंप्यूटर पे ही हो। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। तो हमने क्या लिखा, एक बार रिपीट कीजिएगा, डिजिटल डिवाइस को जिस प्रोसेस के द्वारा जिस प्रोसेस के द्वारा जोड़ा जाता है, उसे लाइन कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है, राइट। और लाइन कॉन्फ़िगरेशन के दो नाम हमने पहले ही लिख लिए, लाइन कोडिंग कह सकते हैं या टाइप ऑफ कनेक्शन कह सकते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि जिस प्रोसेस के द्वारा जोड़ा जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, लाइन कॉन्फ़िगरेशन। अब जो लाइन कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। लिखिए, लाइन कॉन्फ़िगरेशन इज दो टाइप के लाइन कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। पहला होता है दोस्तों जिसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट। एक लाइन कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट, और एक होता है जिसको बोलते हैं मल्टी पॉइंट, इसको शॉर्टकट में P2P कहा जाता है, और इसको शॉर्टकट में MP कह देते हैं। एब्रीवेशन भी याद रखने हैं, एग्जाम में हो सकता है P2P लिखाओ, पॉइंट टू पॉइंट, एंड ऑल्सो अनदर वन इज नोन एज मल्टी पॉइंट MP, ठीक है। बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है इनकी, पॉइंट टू पॉइंट का क्या मतलब है और लाइन टू लाइन का क्या मतलब है। अगर कोई डेटा कहीं से आ रहा है तो आप अगर डिलीवरी कर रहे हैं तो डेडिकेटेड पाथ बना रखा है आपने, वो तो क्या हो गया, पॉइंट टू। जैसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये एक सेंडर है और ये एक रिसीवर है, राइट। अगर इन दोनों के बीच में एक डेडिकेटेड पाथ है, तीसरा कोई नहीं है, तो इसको क्या कहा जाएगा, पॉइंट टू। इसको क्या कहा जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट। ये कैसा कनेक्शन है भाई, पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन अगर इस लाइन के ऊपर कोई तीसरा बंदा भी आ गया तो ये कैसा हो गया, मल्टी पॉइंट। ये कैसा हो गया, मल्टी पॉइंट। इसको समझने के लिए अगर रियल लाइफ से एग्जांपल ले, अगर तो मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेना है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस कर रहा है वहां से हम तार डाले हमारे घर तक, सिंगल तार, और बीच में कोई नहीं है, तो कैसा हो गया, पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन अगर उसी वायर में सबको कनेक्शन दिया जाए तो वो कैसा हो गया, मल्टी पॉइंट। इसीलिए दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी होता है, वाटर सप्लाई होता है, सब मल्टी पॉइंट होते हैं,
मल्टी पॉइंट होते हैं, एक एक पानी की लाइन डाली सबके घरों में जा रही है उसमें से कनेक्शन होते हुए, बोलिए। तो ऑल दीज रिसोर्सेज आर विथ मल्टी पॉइंट्स। तो अगर सोर्स से डेस्टिनेशन तक कोई डेटा एक लिंक पे क्लियर हो रहा है वो क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट। इसको बोलते हैं डेडिकेटेड पाथ। क्या बोलते हैं? डेडिकेटेड। एग्जाम में यही आने वाला है। ऐसा कौन सा कनेक्शन होता है जो डेडिकेटेड पाथ को फॉलो करता है? कौन सा होता है? पॉइंट टू पॉइंट, राइट। और जो शेयर्ड पाथ को फॉलो करता है वो कौन सा होता है? मल्टी। इज दैट क्लियर? तो चलिए दोस्तों लिखिए पहला पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट के बारे में लिखिए, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट। हाँ, अगर नहीं डेडिकेटेड या शेड है, जियो फाइबर भी कई तरह का होता है, वो आपको देखना पड़ेगा शेड है या मल्टी वो है, राइट। होस्टिंग जैसे होती है, शेड है मतलब एक साथ कईयों को दी जा रही है। हाँ, वो तो सब शेड होती है, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट में लिखिए, पॉइंट टू पॉइंट के अंदर पहली बात तो एक चीज याद रखनी है, कई बार पॉइंट टू पॉइंट नहीं बोल के इसको हम पीयर टू पीयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीयर टू पीयर। तो पहला पॉइंट लिखिए, पीयर टू पीयर भी कहा जाता है, पीयर टू पीयर, पीयर टू पीयर भी कहा जाता है। पीयर टू पीयर भी कहा जाता है। ठीक है, डेफिनेशन लिखिए, यदि दो डिवाइस के बीच में, यदि दो डिवाइस के बीच में, यदि दो डिवाइस के बीच में एक डेडिकेटेड, एक डेडिकेटेड लिंक या केबल, यदि दो डिवाइस के बीच में एक डेडिकेटेड लिंक या केबल लगाई जाती है, डेडिकेटेड लिंक या केबल लगाई जाती है, तो वह पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कहलाता है। यदि दो डिवाइस के बीच में एक डेडिकेटेड लिंक या केबल लगाई जाती है तो वह पॉइंट टू पॉइंट, तो वह पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कहलाता है। ठीक है, दिस इज द पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, राइट। ये डायग्राम बना लीजिएगा नीचे जो आपके याद रहे। राइट, समझ में आ गया? अब आपसे एग्जाम में डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा दोस्तों, तो नहीं पूछेगा पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है, क्वेश्चन क्या पूछेगा, आप ध्यान से आंसर देना, बस इसके अलावा कुछ है नहीं। डेफिनेशन मैंने बता दी, इसी में से आंसर निकल रहे। वो पूछेगा पॉइंट टू पॉइंट के लिए मैक्सिमम कितनी डिवाइस होनी चाहिए, तीन हो जाए तो भाई, चार हो जाए तो, एग्जैक्टली बस मैं यही चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है तो, क्योंकि दो डिवाइस के बीच में इसके अलावा तीसरा कोई आ ही नहीं सकता, तो ऑब्वियसली पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होगा, तो मैक्सिमम कितनी डिवाइस होंगी, दो। लिखिए, नोट लगा के, पॉइंट टू पॉइंट के, पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन में, पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन में मैक्सिमम दो ही डिवाइस यूज होती है, दो डिवाइस ही यूज होती हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। वैसे तो टोपोलॉजी जिसको फिजिकल स्ट्रक्चर कहा जाता है, तो बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट जो यूज करता है वो मैश, स्टार और रिंग, ये तीन टोपोलॉजी यूज करती है, बस यूज नहीं करता। बेस, स्टार और रिंग, ये जो तीन टोपोलॉजी हैं वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन यूज करती है। मैश, स्टार, लिख लीजिए, मैश, स्टार, रिंग टोपोलॉजी, मैश, स्टार, रिंग टोपोलॉजी, पॉइंट टू पॉइंट
पॉइंट टू पॉइंट यूज करती हैं। मेस स्टार रिंग टोपोलॉजी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन यूज करते हैं। भवानी देखना आगे क्या सर, मेस स्टार रिंग टोपोलॉजी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन यूज करते हैं राइट। अब आप कहोगे सर ये क्या होता है, तो ये मैं पूरा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, ये बीच में मैंने आपको बता दिया क्योंकि वहां पे क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है, मेस टोपोलॉजी कौन सा कॉन्फिगरेशन यूज करती है पॉइंट टू पॉइंट। समझ में आ गया, पॉइंट टू पॉइंट मतलब दो डिवाइस के बीच में एक डेडिकेटेड पाथ होगा, डेडिकेटेड लिंक होगा, डेडिकेटेड वायर होगा, तीसरा बंदा नहीं आ सकता। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए दूसरा लिखिए, मल्टी पॉइंट। मल्टी पॉइंट आगे चलिए, ठीक है फिर ये कल करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो गया, फिर आगे आप लेट हो जाते हैं आप लोग। ठीक है, मैं तो चाह रहा था कि 4 बजे से स्टार्ट कर दिया जाए, बट कुछ स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम है ऑनलाइन भी, तो थोड़ा सा डिले होके थोड़ा टाइम बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट कल कंटिन्यू करते हैं, और थैंक यू वेरी मच।